नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। प्रयागराज के मुंडेरा सब्जी मंडी में नहीं डर है कोरोना का। कोरोना वायरस के केस दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं। बाजारों में दुकानदार बिना मास्क लगाए ही सब्जी वाले सामान बेच रहे हैं, इससे कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। ऐसा ही नजारा शहर के पार्कों में भी देखने को मिल रहा है। पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारी सड़कों पर खड़े होकर बिना मास्क पहने राहगीरों के चालान काट रहे हैं, परंतु सब्जी विक्रेताओं व पार्कों में टहलने आए लोगों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लग रहा है। सब्जी मंडी में रोजाना सैकड़ों लोग सब्जी खरीदने आते हैं। प्रशासन ने सभी तरह के दुकानदारों से कहा था कि मंडी में दुकान पर अपने हाथ में ग्लव्स व चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी है। इसके अलावा दुकान पर आने वाले ग्राहकों को भी मास्क पहनना जरूरी है, जो ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परंतु प्रशासन की इस चेतावनी का दुकानदारों पर कोई असर नहीं हुआ है। खासकर सब्जी विक्रेता नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। किसी ने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा है, यदि मास्क लगा रखा है वह नाक व मुंह पर नहीं है। किसी ने मास्क उतार कर साइड में रखा हुआ है, जो कि गलत है। दरअसल प्रशासन मास्क को लेकर अभी तक सख्त नहीं हुआ है। जिलाधिकारी से आदेश आने के बाद पुलिस तो दबादब चालान काट रही है, लेकिन विभिन्न विभागों के अधिकारी चालान काटने की पावर होते हुए भी किसी पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बताते चले कि कोई भी अधिकारी बिना मास्क पहनने वालों का चालान काट सकता है, फिर भी अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट।